हेलो एवरीवन, दिस इज नीता एंड वेलकम टू माय चैनल कुक विद देव से। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी, आलू और कीमा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। काफी टेस्टी लगता है, एक बार इस तरीके से आप जरूर बना के देखिएगा। आई होप कि आपको भी पसंद आएगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की रेसिपी, कीमा आलू की ग्रेवी। चिकन कीमा और आलू की ग्रेवी की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी चम्मच से सरसों का तेल एक कढ़ाई में या पैन में, जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं। हाई फ्लेम पे उसको गर्म होने देंगे और जैसे ही बहुत अच्छे से गर्म होगा, इसमें तड़के के लिए 1 छोटी चम्मच से मैंने जीरा लिया है, 3-4 लाल सूखी मिर्च, 4 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 1 टुकड़ा सिनेमोन का और 2 तेज़पत्ता। ये सारी चीज़ें तेल में ऐड कर देंगे गरम होते ही तेल, और फिर इसको हल्का सा सॉटे करेंगे, भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए, मतलब less than 1 मिनट। जब ये भून जाए तो इसमें ऐड कर देंगे 4 प्याज बारीक कटा हुआ, एकदम से बारीक कटा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा, ताकि ये इसका ग्रेवी अच्छा बने। तो ये बारीक कटा हुआ मेरा 4 प्याज है मीडियम साइज़ का। तो इसको अब हल्का सा भून लेंगे, तड़के के साथ मिला लेंगे और इसको ढक कर कुछ देर पकाएंगे ताकि ये गल जाए और सॉफ्ट हो जाए प्याज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको ढक दिया और फ्लेम को मीडियम कर देंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है सॉफ्ट होने तक। तो कुछ समय के बाद आप देख सकते हैं मैंने ढक्कन हटाया तो काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। फिर से इसको मिला लेंगे इस तरह से, हल्का सा छलनी से दबा देंगे, दबाते हुए चला लेंगे। और इसके बाद इसमें ऐड कर देंगे 2 बड़ी चम्मच से अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी अब मिक्स कर लेंगे इसके साथ। और इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, जस्ट मिक्स कर लेना है प्याज के साथ अदरक लहसुन के पेस्ट को। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे अब कीमा, चिकन का कीमा है ये, आप चाहें तो मटन का कीमा भी यहाँ ले सकते हैं, मतलब इसी प्रोसेस से मैं बनाती हूँ मटन कीमा भी। तो ये मेरा चिकन कीमा है, तो चिकन कीमा को मैंने ऐड किया, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ कीमा को ऐड कर लें। फिर इसको भी, कीमा को भी प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छे से और लगातार चलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे। तो मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया, कुछ देर के बाद बहुत अच्छे से मिक्स हो गई। और इसके बाद इमीडिएट इसमें मिक्स करने के बाद इसमें डाल देंगे टेस्ट के लिए नमक। इसके बाद मसाले भी साथ में डाल देंगे, तो मैंने यहाँ पे 1/4 स्पून हल्दी पाउडर डाला। उसके बाद टेस्ट के अनुसार यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, तो आप अपने टेस्ट के अनुसार यहाँ पे मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं। 1/2 छोटी चम्मच से मैंने धनिया पाउडर ऐड किया, 1 छोटी चम्मच से यहाँ पे जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, 1/2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 से 1 छोटी चम्मच यहाँ पे गरम मसाला भी ऐड कर देंगे साथ में ही। तो गरम मसाला मेरा 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 1/2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, तो 1/2 से 1 चम्मच के बीच आप ऐड कर सकते हैं गरम मसाला पाउडर। इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारे मसाले डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे, आप देख सकते हैं मैंने मिक्स कर लिया यहाँ पे, और इसको कवर कर देंगे फिर से और इसको पकने देंगे इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम पर। इसको 2 मिनट के लिए पकाएंगे, 2 मिनट के लिए मैंने इसका ढक्कन हटाया और फिर से एक बार मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे दही, तो पहले फ्लेम को, दही डालने के पहले फ्लेम को कम कर देंगे, नहीं तो दही फटने का चांस रहता है। वैसे ही मेरी ये थिक दही है तो कम चांस होता है, थिक दही डालने पे फटने का चांस कम होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़ी चम्मच से थिक वाली दही डाली और फ्लेम को लो कर दिया और फिर इस दही को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने मिक्स कर लिया दही को और इसके बाद इसमें 2 उबले हुए आलू ऐड करेंगे, और इसको बड़े टुकड़ों में मैंने काटा है ताकि ये थोड़ा लुक वाइज भी अच्छा आए और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है आलू डालने से। तो आलू डाल के एक बार आप चिकन कीमा को बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आलू डालने के बाद एक बार फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कवर कर देंगे, फिर से इसका ढक्कन लगा देंगे और कुछ समय के लिए पकने देंगे ताकि आलू के अंदर ये सारे मसाले और चिकन का फ्लेवर जाए। तो कुछ समय के लिए ढककर इसको पका लेंगे, मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे अभी। और फिर 2 मिनट के बाद मैंने यह इसको ढक्कन को हटाया और फिर से इसको मिक्स कर लिया।
अब इसमें पानी डालेंगे, तो पानी मैंने यहाँ पे एक कप के करीब डाला है, बट आप अपने ग्रेवी के रिक्वायरमेंट के अनुसार, आपको जितना थिक चाहिए ग्रेवी उसके अनुसार यहाँ पे पानी ऐड कर लें। साथ ही मैंने ऐड किया बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया पत्ता ढेर सारा। अब फिर से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। बहुत ही अच्छा बनता है इस तरीके से अगर बनाए तो। एक बार ये आप रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से। मैंने यहाँ पे मिक्स कर लिया इन सबको, पानी को और धनिया पत्ता डालकर बहुत अच्छे से, और फिर से इसको ढक देंगे और फिर से कुछ समय के लिए, मतलब 2 से 3 मिनट के लिए इसको उबलने देंगे। 2-3 उबाल आ जाए इसमें बहुत अच्छे से और ग्रेवी थोड़ा सा थिक हो जाए, पानी जल जाए, उस लेवल तक हमको पका लेना है। तो यहाँ पर हमारा चिकन कीमा विथ आलू की सब्जी बनके रेडी है, काफ़ी यम्मी सी। इसको आप चावल के साथ या चपाती रोटी के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। सो, ये रही मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी। आप चिकन कीमा खाते हैं कि नहीं, अगर खाते हैं तो किस तरीके से बना के खाते हैं ये भी शेयर करिएगा। काफ़ी अच्छा लगता है हमको जब कमेंट्स आता है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।